feel when you die? Proud. Now, whatever it is, there are no words to it. But if you have that dream that I want to be feeling very, very right. I always use the word right. I don't use good or bad because that is own judgment, right? Jyotija. But what is right is right. If you want to be feeling right at that moment, then start living for that moment. Then you will know in your life what exactly is to be. You know what is the, what are the things which will matter, which will make me feel right at that time. And what are the things that I am running behind right now, which at that moment will be irrelevant. Right? Puri zindagi mein kabhi koi confusion nahi rahega if you can have that one dream. Yeah, I want to be feeling that moment. I want to be feeling very, very, that is going to be my greatest moment of. Right? I have lived that, walked the path of that to quite a few distance. I don't know how long it was again, but yeah, I've walked that path and it's going. And if you live your life, it's a wonderful thing. It's a very, very wonderful thing. It's absolutely bliss. Right? So, ye dar mrityu ka bhay nikal do. Jeevan se. Kyun nikal do? You've heard, kahin kahin likha rehta na, love, kya bolte hain, truth is God. Truth is love. Likha hota na? Heard that truth is love. Now the greatest truth that you know of present jitni satya to bahut sari cheeze hai but sadharan baudhik star jo hai usse bhi ek baat to samajh mein aati hai ki sambhav hai ki kal brahmand mein koi disbalance ho jaye koi suryodaya na ho possible hai. So sunset sunrise ka truth bhi guaranteed nahi hai. Death is sure. Right? So this is the one truth जो आपके वर्तमान बौद्धिक स्तर से भी स्पष्ट रूप से समझ में आता है ये तो सत्य है ही. So if truth is love and death is a truth, then when you start loving. Make sense? Yes sir. Right? Yes sir. Have that dream in mind. Yes sir. I'm feeling very good. ठीक है? Yes sir. We're going to come back again. I at times I regret that I survived because उस वक्त मेरे को पता था मैं तो वीर गति के मार्ग से जा रहा हूँ. इट वॉज वेरी गुड. तो वीर गति के मार्ग से जाते हो देन यू नो यू गेट वीआईपी पास मिल जाता है. तो अब तो मेरे को कर्म करके जाना पड़ेगा. सो ट्राइंग माय बेस्ट स्टिल. दिस इज डिफिकल्ट. सबके भाग्य में नहीं होती वीर गति. फिर कोई शत्रु आएगा तो पक्का लड़ूंगा. कहीं वीर गति फिर मिल जाए तो मजा आ जाएगा. राइट? यस सर. तो इसीलिए कभी शत्रु दिखे तो मौका नहीं छोड़ना. मतलब मरना नहीं है. सुसाइड नहीं बोल रहा हूँ. बट जो इस देश का धर्म का देश का शत्रु है कहीं नहीं बदलता. ये दुनिया भड़का बोले जमाना बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया, ये बदल गया, क्या बदल गया, कुछ नहीं बदला यार. ये है क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है ना. गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है ना. लाखों साल पहले काम करता था ना, आज भी काम कर रहा है ना. आज से 1,00,000 साल बाद भी काम करेगा ना. नथिंग इज चेंज मैन. जीवन के सिद्धांत मूल्य वही है जो आज से 1,000 साल पहले थे, आज भी वही है. लेट डू नॉट गेट फूल्ड बाय राइट. यस सर. ठीक है ना. एक और लास्ट एक बार ले लेता हूँ. एक और याद करो बच्चे किधर हैं? कॉल एचआर वॉलंटियर्स. लाइफ में भी, लाइफ में भी कॉल एवरीवन. डू नॉट जो आपके सपने अब जिंदगी है क्विकली कॉल देम. जो भी आप करना चाहते हैं कॉल एचआर वॉलंटियर्स को बुलाओ. डू इट फॉर लिव फॉर रीजंस बियॉन्ड द कंफाइंस ऑफ दिस बॉडी. कहने का मतलब जब मैं सुनता हूँ किसी का इसका, मैं जनरेशन की बात नहीं करूँगा, पुराने जनरेशन आज जनरेशन, पहले भी स्वार्थी थे आगे कि नहीं मैं ये करूँगा, मुझे पैसा मिलेगा तो मैं ये करूँगा, मुझे पैसा मिलेगा मैं ये करूँगी, मैं ये कार खरीदूंगी, पंखा खरीदूंगी, लैपटॉप खरीदूंगी, फलाना कर दूंगी, ढंग कर दूंगी. यू गॉट टू बी लिविंग बियॉन्ड दिस. बॉडी का ध्यान रखना है क्योंकि दिस इज द मीडियम थ्रू विच यू कैन सर्व. बट अगर आपकी नियति है, आपको लगता है सामर्थ्य है, आप राष्ट्र के लिए कर सकते हो, करो. Beyond this, make nation first. अच्छा चलो वो नहीं होता, बहुत बड़ी बात हो गई. समाज करो, वो बड़ी बात हो गई. परिवार है ना. आज की डेट में आपके माता पिता हैं, राइट? माता पिता. एवरी वेकिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ डू थिंग्स दैट विल मेक देम हैप्पी. फिर कल आपका विवाह होगा, इतना तो कर सकते हो कि वो एक नारी, वो एक पुरुष, उसके लिए तो जियो यार कम से कम. वो भी नहीं कर सकते. अगर वो भी नहीं करोगे तो सभी शादियां टूट रही हैं.
अगर वो भी नहीं कर रहे हैं, आई मी माई सेल्फ आई हैव कम इनटू दिस मैरिज अलायंस विदाउट माई मी ड्रीम, बोल माई ड्रीम, तो चलो फिर रास्ता पलटो. दैट इज वाई मैरिजेस आर ब्रेकिंग एंड बिकमिंग सच अ बिग हेल एंड मेस. यू नो इट बेटर देन मी, राइट? बिकॉज कोई एक दूसरे के लिए तैयार ही नहीं है. तो आप इस सीमा के बाहर देश, समाज, परिवार या एक व्यक्ति, कुछ तो पकड़ो. इसी के लिए जीना है. मोस्ट मिजरेबल वे ऑफ लिविंग, श्योर शॉट गारंटेड मिजरेबल लाइफ है. मैं बता दे रहा हूं, श्योर शॉट गारंटेड मिजरेबल लाइफ होगी आपकी अगर आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, शरीर के दायरे के बाहर नहीं सोच रहे. कुछ भी करो, कोई कॉज पकड़ लो. वो पिछले साल पद्म भूषण कुछ मिल रहा था, माता को मिल रहा था, वो साउथ इंडिया की थी, हजारों पेड़ लगा दिए उन्होंने. I don't know if you remember. उन्हें जीवन खपा दिया, उन्हें ये थोड़े कर सोच के किया था मुझे पद्मश्री मिलेगा, बस वो जी रही है उसके लिए, ठीक है ना. कोई I knew about a lady who used to go to brothels and rescue girls trapped there. पूरा जीवन का मिशन है उसका. कुछ तो करो. चलो कुछ नहीं हो सकता तो उस एक आदमी, उस एक औरत के लिए तो जियो यार. और उसके बाद संतान आ जाएगी तो उसके लिए जियो. बट मैं अपने लिए जीऊंगा, अपने लिए जीऊंगी, खत्म हो जाएगा. शोषक निर्बल यही सिखाया जा रहा है आपको. मैं बताया ना, यही सिखाया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है. मैंने ऊपर से एक एग्जांपल दिया, टाइम नहीं था कंक्लूडिंग रिमार्क करने का था, रेस का एग्जांपल दे रहा था ना मैं कि सामने वाला सब मारेगा आपको, ये वो एक पार्ट और है हराने का. दूसरा तरीका है, एक तो वो तरीका है कि सामने चारों तरफ से अटैक करें. दूसरा तरीका हराने का ये है कि जो रेस में लेन में दौड़ रहा है, भारत कौन है? भारत 140 करोड़ लोग है ना, 140 लोगों को कंफ्यूज कर दो. हम कुछ नहीं